हेलो बच्चों, कैसे हैं आज? बच्चों, हम लोग फिर से एक बार न्यूमेरिकल को देखते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन से रिलेटेड। तो बच्चों, हम लोग सबसे पहले आइडियल गैस इक्वेशन में कितना फॉर्मूला न्यूमेरिकल में लागू होगा उसको एक बार फिर से देख लेते हैं, ताकि आपको न्यूमेरिकल बनाने में आसान होगा। तो बच्चों, बोर्ड पर नज़र रखें। आइडियल गैस इक्वेशन है ना, पी भी इजकल टू एन आर टी। एक फॉर्मूला तो ये हो गया है, तो गैस इक्वेशन ही है। अब इसको कर देते हैं, पी भी इजकल टू डब्लू बाई एम आर टी। अब इसको कर देते हैं, पी एम इजकल टू डी आर टी, क्योंकि भी को इधर लाएंगे तो मास बटे वॉल्यूम इजकल टू डेंसिटी है ना। इसके बाद एक फॉर्मूला और आएगा, पी वन भी वन बाई टी वन इजकल टू पी टू भी टू टी टू। अगर टेम्परेचर को फिक्स कर देते हैं तो बायल्स लॉ आ जाता है, पी वन भी वन इजकल टू पी टू भी टू, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट कांस्टेंट है ना। लेकिन बच्चों, ये दोनों से हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं पिछले वीडियो में, ये सभी से बनाएंगे है ना। तो बच्चों, प्रॉब्लम लिखा जाए बहुत ही आसान होगा, दो बार पढ़ेंगे, वैल्यू बैठाएंगे फॉर्मूला में। 1 ग्राम ऑफ हीलियम, हीलियम गैस इनर्ट गैस है ना, एज कन्फाइंड इन ए 2 लीटर है ना, 2 लीटर फ्लास्क, 2 लीटर फ्लास्क अंडर ए प्रेशर ऑफ 2.05 ATM। कहता है व्हाट इज इट्स टेम्परेचर। अब बच्चों, हम लोग को देखना है कि इसमें क्या क्या चीज दिया हुआ है ना। 1 ग्राम हीलियम यानी वेट 1 ग्राम दिया हुआ है, तो मोलेकुलर वेट तो आप समझ ही सकते हैं हीलियम का है ना, 4 ग्राम होगा, 4 डायरेक्ट लिखिए। वॉल्यूम दिया हुआ है 2 लीटर है ना। अब वॉल्यूम दिया हुआ है 2 लीटर, इसके बाद अंडर ए प्रेशर ऑफ इतना एटीएम यानी पी दिया हुआ है 2.05 ATM। आर का मान आपको ऑलरेडी बताया गया है 0.082 होगा है ना। तो इसमें पूछ रहा है टी यानी पी भी इजकल टू एन आर टी। ये फॉर्मूला तो लागू नहीं होगा बच्चों, चूंकि वेट दिया हुआ है, मास भी दिया हुआ है। तो यहाँ हम लोग कर देते हैं डब्लू बाई एम है ना, इसलिए पी बराबर करेंगे, पी बराबर नहीं चूंकि टेम्परेचर पूछ रहा है, टी बराबर अगर करते हैं तो हो जाएगा पी भी एम बाई डब्लू और आर है ना। प्रेशर दिया हुआ है 2.05, इसके बाद वॉल्यूम दिया हुआ है 2 मोलेकुलर वेट, 4 वेट 1, आर का मान 0.082। अगर पॉइंट काटना है, एक जीरो और बैठाएंगे, कैंसिल हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2050 इंटू 4 2 8 डिवाइडेड बाई 82। कैलकुलेशन करेंगे 200 केल्विन ही आपका आंसर होगा। तो बच्चों, इसको नोट किया जाए। अब बच्चों, नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखा जाए, बहुत ही आसान है, सिर्फ फॉर्मूला देखना है, फॉर्मूला भी दिया हुआ है, एक जगह नोट कर लीजिए और न्यूमेरिकल बनाने के लिए बैठ जाइए है ना। कहीं भी फंसे, अब है सांडिल्या का एक बार नाम लेंगे, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो बच्चों, क्वेश्चन लिखा जाए, कैलकुलेट
कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 5 ग्राम एसीटिलीन C2H2 गैस एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 740 mm प्रेशर। सारा चीज़ दिया हुआ है बच्चों, है ना। सिर्फ अब कोई वॉल्यूम भी पूछ रहा है, यानी फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, पी भी इजकल टू डब्लू बाई एम आर टी, है ना। इसलिए भी बराबर क्या हो जाएगा, डब्लू आर टी बाई एम पी। फॉर्मूला में बैठा दीजिए, सारा चीज़ दिया हुआ है ना। यहाँ वेट दिया हुआ है कितना, 5 ग्राम। आर का मान होता है 0.082। टेम्परेचर दिया हुआ है बच्चों 50 डिग्री, यानी 273 में 50 को ऐड करेंगे 323, यानी 323 केल्विन, है ना। डिवाइडेड बाई मोलिकुलर वेट, एसिटिलीन का मोलिकुलर वेट C2, कार्बन का 12 होता है ना। मास दो है, यानी 24 + 2 = 26 और प्रेशर दिया हुआ है बच्चों 740 mm। इसको हम लोग को एटीएम में बदलने के लिए क्या करना है, 760 से भाग देना है, जो कि ऊपर चला जाएगा 760। अब बच्चों इसका कैलकुलेशन करना आपका काम है, और आंसर आएगा 5.23 लीटर, है ना। यही हो गया आपका आंसर। तो बच्चों रेगुलर क्लास करते रहिए, यानी क्लास नहीं वीडियो देखते रहिए, है ना। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट करके हम तक पहुंचाइए, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। इसी के साथ बच्चों धन्यवाद।